Hi friend, good morning. As you can see on the screen, our topic today is molarity. So I would like to give an overview of molarity. Then during the next few minutes, we will discuss about how to prepare the molar solution. So first discuss the molarity. So molarity is a concentration. So it is affected by temperature and pressure. So first discuss about molarity. Molarity is used to express the concentration of solution. Yani solution ki concentration ko hum express karne ke liye generally molarity ka use karte hain. Also known as a molar concentration. Yani jo isse hum molar concentration bhi keh sakte hain. Molarity is the number of mole of solute per liter of solutions. So molarity hai kya actually mein? मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी यहाँ पर मोलरिटी के केस में हम वन लीटर का डिस्कस करते हैं, वन लीटर के बारे में. सो फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशंस. सो मोलरिटी को जनरली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सो मोलरिटी जनरली मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आप कुछ सॉल्यूट डालते हैं. स्टार्टिंग में यू हैव टू ऐड सॉल्यूट और सॉल्यूट डालकर आप इसके अंदर सॉल्वेंट डालते हैं और टोटल जो वॉल्यूम है वो आप वन लीटर मेक कर देते हैं. ये आपका एक मोलार सॉल्यूशन है. ओके, सो द यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर्स या मोल डेसीमीटर क्यूब, या इसे आप एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 2.0 मोल डेसीमीटर क्यूब और 2.0 मोल और 2.0 मोल यानी कैपिटल एम, ये तीनों जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर, एक कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का ये है एंड देन सेकेंड कंसंट्रेशन डेट इज मोल पर लीटर एंड देन 2.0 मोल, ये तीनों कंसंट्रेशन एक या तीनों जो कंसंट्रेशन यहाँ पे हैं, जो यूनिट्स हैं वो सेम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. सपोज ए सॉल्यूशंस डेट हैज ए कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल्स, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल है, वुड बी कॉल्ड 5 मोल सॉल्यूशन. इसे हम 5 मोल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर इसे हम 5 मोलार सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी 5 मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, देन 5 मोल भी कह सकते हैं एंड देन 5 मोलार भी कह सकते हैं. तो नाउ मोलरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक, अब हम मोलरिटी की प्रॉब्लम की तरफ बैठ, हाउ टू कैलकुलेट द मोलरिटी. सो हियर इज द एग्जाम्पल. Express the concentration of solution 1.2 gram of KCl, यानी आपके पास यहाँ पर KCl है 1.2 gram in 250 ml of water. तो 250 ml water के अंदर 1.2 gram KCl है, यानी आपके पास यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर, इस बीकर का जो वॉल्यूम है वो है 250 ml. इस बीकर का जो वॉल्यूम है वो 250 ml है एंड देन इसके अंदर 1.2 ग्राम KCl है. तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है हमें, इसकी कंसंट्रेशन को मोलरिटी में एक्सप्रेस करना है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वी नीड टू कन्वर्ट वैल्यू इनटू द यूनिट ऑफ मोलरिटी. वैल्यू को हमें यूनिट ऑफ मोलरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूनिट ऑफ मोलरिटी हम जानते हैं मोल पर लीटर है, मोल एंड लीटर के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट द मास ऑफ KCl, मास ऑफ KCl आपको गिवन है 74.55 ग्राम पर मोल है. तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 1.2 ग्राम KCl है और KCl का मॉलिक्यूलर वेट ये है. तो आप यूनिट की मोल कैसे निकालते हैं,
So 1.2 divided by molecular weight 17.55 ग्राम पर मोल. जब आप इसे डिवाइड करेंगे यानी 1.2 KCl आपके पास है एंड देन मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, यू कैन गेट मोल ऑफ KCl. तो यहां पर आपके पास मोल ऑफ KCl आ गए हैं 0.0161 यहां पर आप. देन नेक्स्ट कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ml टू लीटर. यानी आपने यहाँ पर जो 1.2 KCl है उससे आपको मोल निकालने हैं जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मोल आपके पास आ चुके हैं. एंड देन आपको यहाँ पर जो 250 ml है इसे लीटर में कन्वर्ट करना है. तो 250 ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1/100 ml. तो यहाँ पर आपका जो लीटर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा 0.25 liter आ गया. सो फॉर्मूला ऑफ द मोलरिटी यानी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द लीटर ऑफ सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलरिटी है यानी जो उसकी कंसंट्रेशन है मोलरिटी के अंदर कितनी आ चुकी है 0.064 मोल यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट थ्योरी, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलरिटी. मोलरिटी के एडवांटेज क्या होते हैं? जनरली इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज बिकॉज द सॉल्यूट मे बी मेजर्ड इन ग्राम कन्वर्टेड इनटू मोल्स एंड मिक्स्ड विद ए वॉल्यूम्स. तो ये एक एडवांटेज है इसका. देन एडवांटेज सेकेंड, सम ऑफ द कंसंट्रेशन इज दैट टोटल कंसंट्रेशन, टोटल मोलार कंसंट्रेशन एंड दैट परमिट द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड आयनिक स्ट्रेंथ. डिसएडवांटेज, द मेन डिसएडवांटेज है कि मोलरिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है. यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही आप इसकी कंसंट्रेशन को स्टेबल रख सकते हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो मोलरिटी इफेक्ट हो सकता है. सो देन मूविंग टू नेक्स्ट, वेन टू यूज मोलरिटी एंड वेन टू यूज मोलरिटी, यानी हमें कब मोलरिटी को यूज करना चाहिए एंड देन कब हम मोलरिटी को यूज करें. तो जो मोलरिटी है यूज इन सर्टेन सिचुएशंस लाइक टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट. अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना हो तो आप मोलरिटी को यूज कर सकते हैं. एंड देन टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना हो, क्योंकि टेम्परेचर से मोलरिटी है वो इफेक्ट नहीं होती है, तो आप बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं. एंड देन जब आप वर्किंग कर रहे हैं विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऐसे केस के अंदर भी आप मोलरिटी का यूज कर सकते हैं. एंड देन मोलरिटी इज यूज फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हेल्ड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पर ही आप मोलरिटी को यूज कर सकते हैं. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ मोल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी मोल पर लीटर. यानी मोलरिटी है जनरली मोल पर लीटर. एंड देन मोलिलिटी इज द रेशियो ऑफ मोल टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये है मोल पर लीटर, इट इज मोलिलिटी. एंड मोल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मोलिलिटी. सो यू कैन सी हियर ए पॉइंट A 1.0 mole solution contain 1 mole of solute per liter of solutions. So it is a molar solution. And 1.0 mole solution contain 1 mole of solute per kilogram of solvent. This is a molar solutions. So the basic difference between molality and molarity is that
मोलेलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली आप यूज़ करते हैं, देन मोलेलिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन यानी टोटल मिलाकर 1 लीटर हो जाना चाहिए। एंड द यूनिट साइन एक्सप्रेस स्मॉल एम यानी जो मोलाल सॉल्यूशन है या मोलेलिटी है उसके लिए आप स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन मोलेलिटी है उसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द यूनिट ऑफ मोलेलिटी मोल पर किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ मोलेरिटी इज मोल पर लीटर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोलेरिटी। सो एज यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ मोलेरिटी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई लीटर ऑफ सोल्यूशंस। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मोल ऑफ सोल्यूट हैं इफ यू गिवन ग्राम्स, जैसे हमने पीछे एक प्रॉब्लम्स में पढ़ा है कि 1.2 ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है, यूज टू मोलार मास ऑफ द कंपाउंड टू कन्वर्ट देम टू मोल्स, यानी 1.2 ग्राम आपको सोल्यूट दिया है तो उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, देन उसका वेट क्या है, आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे, यानी आपके पास 1.2 ग्राम दिया है तो आपको उस 1.2 ग्राम को मोल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। देन लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपके पास ml में है तो आपको 1/1000 ml से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास सॉल्यूशन है वो लीटर में आ जाएगा। सो प्रिपेयर द मोलार सॉल्यूशंस। फॉर प्रिपेयर मोलरिटी यू विल कन्वर्ट ml इनटू लीटर एंड देन लीटर इनटू मोल्स एंड देन मोल्स इनटू ग्राम्स, यानी आपको ये फॉर्मूला मोलार सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो आपके पास ml के अंदर कंसंट्रेशन है उसको आपको लीटर में कन्वर्ट कर देना है, देन लीटर की कंसंट्रेशन को आगे मोल में, देन मोल टू ग्राम। सो लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम नंबर 1, सॉरी, हाउ वुड यू प्रिपेयर 4.00 इंटू 10^2 ml ऑफ 1.50 मोल CaCl2 solutions, यानी आपको 4.00 10^2 यानी 400 ml, आप इसे सिंपली में लिख सकते हैं 400 ml का आपको एक सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन का जो मोलेरिटी है वो आपके पास होना चाहिए 1.50 मोल का सॉल्यूशन होना चाहिए। सो हियर वी विल कन्वर्ट 400 ml इनटू लीटर यूजिंग 100 ml यानी 100 ml बराबर 1 लीटर एंड 1.5 मोल मींस डेट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेन 1.5 मोल ऑफ CaCl2। सो सॉल्व बाय द इक्वेशन, ml है तो 400 ml आपके पास दिया हुआ है, 400 ml को आप जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से, देन आपके पास मोल है यानी 1.50 मोल 1 लीटर के अंदर है तो आपको इस 1.50 मोल को 1 लीटर को कन्वर्ट कर देना है ग्राम के अंदर। सो नेक्स्ट 1 ग्राम CaCl2 एंड डिवाइडेड बाय द मोल ऑफ CaCl2, तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो निकल कर आ जाएगी 6.6 ग्राम, यानी प्रिपेयर 400 ml ऑफ 1.50 मोल CaCl2, ऐड वाटर टू 66.6 ग्राम ऑफ CaCl2 अंटिल द वॉल्यूम इज 400 ml। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl आर नीडेड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.5
520 मोल KCl, यानी इस बार आपको 50 मोल KCl सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलेरिटी 0.520 होनी चाहिए, यानी इतने मोल का सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है आपके पास कितना होना चाहिए, 50 ml होना चाहिए। तो यू कैन अगेन अप्लाई द फॉर्मूला ml टू लीटर, लीटर टू मोल एंड मोल टू ग्राम। सो यू कैन सी ml 50 ml डिवाइडेड बाई 1, देन लीटर 1 liter डिवाइडेड बाई 100 ml, देन मोल कितना मोल आपको दिया हुआ है, यानी 0.520 मोल कितने में है, 1 liter के अंदर है, एंड देन ग्राम, यानी यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है जो KCl का मॉलिकुलर वेट है 17.55139 ग्राम है, देन मोल ऑफ KCl कितना है। सो प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.520 मोल KCl, एड वाटर टू 1.93 ग्राम ऑफ KCl अंटिल द वॉल्यूम इज 50 ml, यानी आपको कितना डालना है, 1.93 ग्राम KCl को आपको एक बीकर में लेना है। आप बीकर के अंदर 1.93 ग्राम KCl को ऐड करेंगे और उसके बाद इसको फाइनली वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे कितना, 50 ml तक। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो कितना आ गया है, 0.520 मोल सॉल्यूशन।